इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षित। आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए छतरपुर पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल की रिहर्सल पुलिस लाइन पर की गई, जिसमें पुलिस अमला द्वारा पंचायत चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से मुस्तैद रहेगी वो पुलिस कप्तान सचिन शर्मा ने बताया। साथ ही सोशल मीडिया पर ब्राह्मण पोस्ट डालने वाले लोगों पर सख्ती से पुलिस कैसे कार्यवाही करे उसको भी यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान बताया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बलवा, आंसू गैस के गोले जैसी तमाम गतिविधियों को पुलिस के जवानों द्वारा करवाया गया। इस मॉक ड्रिल की कार्यवाही के दौरान एसपी सचिन शर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस। छतरपुर जिले के पुलिस लाइन में आज राइट ड्रिल का रिहर्सल किया था और ये सामान्य जो राइट ड्रिल होता है उससे थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे तीन सिचुएशंस दी गई थी, जिसमें एक पंचायत चुनाव को लेकर थी, दूसरा सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक पोस्ट डाली जाती है उसको लेकर थी, और तीसरा एक्सीडेंट को लेकर थी। और इन सभी में एक जैसे अनुभाग में जीओज रहते हैं, डीएसपी रैंक ऑफिसर रहते हैं, उनको उसका नेतृत्व दिया गया था और बड़ा सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग इसको रिहर्स कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एसओपी और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आज इसको और बेटर किया गया। और हर बार हम और ज़्यादा बेटर या फिर और ज़्यादा सीखते हैं जो पिछली गलतियाँ रहती हैं, तो सभी जो गलतियाँ हैं उनसे सीख के सभी जो लास्ट की जो आपने ड्रिल देखी, खासकर जो पंचायत चुनाव संबंध में कोई भी यदि शिकायत आती है, कोई कैप्चरिंग आती है, तो पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, कितने कम से कम समय में हमको करना है वो यहाँ पे दिखाएगा। सर, सोशल मीडिया पर आती है किसी भी धार्मिक उसको लेकर, क्या करें जी किसी भी प्रकार की कोई सोशल मीडिया पे आप